नमस्कार। सो एमसीसी काउंसलिंग की प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गया है, ब्रोशर रिलीज हो गया है। मैं थोड़ी देर में ब्रोशर को आपको डिटेल बना दूंगा कि फैक्ट्स जो होते हैं, 70 पेज का ब्रोशर है, पर काम की बातें जो होती हैं वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको पॉइंट्स दिखाते हुए। इस वीडियो का पर्पस उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरे श्रोता हैं कि जो नया रूल आया है, ये सेकेंड राउंड के बाद अगर आपको कहीं भी सीट मिलती है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और इसके मायने क्या हैं। देखिए, रूल तो ना ये पहले से था, मैं वो सच बताऊं, लेकिन ये रूल उतना ना इम्प्लीमेंटेड नहीं था क्योंकि स्टेट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। और वेरी फ्रेंकली हमने भी एज ए काउंसलर इस रूल का फायदा, इस रिलैक्सेशन का फायदा उठाया है कि किसी बच्चे ने राउंड टू में किसी स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा से थ्रू एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू, मुझे ये शब्द बोलना चाहिए, एडमिशन ले लिया था और फिर किसी और जगह ले लिया जब उसको बेटर मिला। स्पेसिफिक एग्जाम्पल दूं तो मेरा दिल्ली का क्लाइंट था, ऑल मतलब एमसीसी काउंसलिंग में उसने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड टू में प्रॉपर एडमिशन लेके रिपोर्ट कर दिया एक मध्य प्रदेश के कॉलेज में, और फिर आईपी में उसको राउंड टू में दिल्ली में सीट मिल गई आईपी काउंसलिंग में, और हमने वो सीट रिजाइन कर दी क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इस साल बार बार जो ब्रोशर में भी लिखा हुआ है, जो 3 बार नोटिफिकेशन आ गई कि ये रूल ढंग से फॉलो किया जाएगा, और ये रूल हो ना हो इसके असली मायने क्या हैं, जो कि ना आपको काउंसलिंग में हेल्प या काउंसलिंग में ध्यान रखना चाहिए। और अगेन देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पास भी जब फोन आते हैं, खैर हम तो लिमिटेड क्लाइंट्स लेते हैं, लेकिन और हमारे क्लाइंट्स काफ़ी हद तक हमारा कोटा पूरा हुआ है इस साल का, आखिरी 4-5 ऑप्शंस हैं जो लोग हमें अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता क्या लगता है कि फॉर्म भर दिया तो काउंसलिंग का काम हो गया, या फॉर्म भर दिया यूट्यूब देख के भर लेंगे, या 3-4 यूट्यूब वीडियो सुन के हमारा को काउंसलिंग आ गई। देखिए, जो असली एनालिसिस है या जो मेहनत है वो है टू टेक द, मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूँ, ऑप्टिमल सीट। ऑप्टिमल सीट क्या है मैं समझाता हूँ। अब ना इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है काउंसलिंग का फिलहाल कि वही डीम्ड और एमसीसी काउंसलिंग पहले, जिसमें अगर सरकारी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा जो कि काफ़ी होता है 15% ना, 6,000 सीटें, 7,000 सीटें, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, ये हो गया सरकारी के लिए, और आपके प्राइवेट के लिए आ गया सारी डीम्ड। अब ये राउंड वन शुरू होता है, आप 2 लाख रुपए या 11,000 रुपए देते हो, फिर स्टेट्स के राउंड वन आते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, स्टेट्स के राउंड वन उत्तर प्रदेश के अलावा हर जगह फ्री एग्जिट है, तो टिपिकल बच्चा लेट से हरियाणा का जिसके 500 मार्क्स हैं, वो जब फॉर्म भरता है स्टेट का तो सरकारी के नीचे ना प्राइवेट भी डाल देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को सीट मिली और मैंने नहीं ली, मेरा कोई नुकसान नहीं है। उसकी वजह से राउंड वन में तो एडमिशन बहुत कम होते हैं स्टेट्स में, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ खासकर, अदर दर यूपी, यूपी में बार बार बोल रहा हूँ, यूपी में ही एकमात्र स्टेट है जो राउंड वन फ्री एग्जिट नहीं है और आपको 2 लाख का डिपॉजिट पहले देना पड़ता है। अब होता क्या है, सरकारी की भी बात करें हम, आप 605 नंबर वाले हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा से, अगर आप नॉर्थ के हैं तो आपको कुछ केरला के इंटीरियर्स में या तमिलनाडु के इंटीरियर्स में, या आपको नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज मिल गया और आपने ले लिया डर के मारे कि बाद में पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन आपको अपनी स्टेट काउंसलिंग में राउंड टू में बहुत अच्छी सीट मिल सकती थी। मैंने कहा ना राउंड वन तो कट ऑफ ऊपर जाएगी क्योंकि सारे टॉपर्स ऑल इंडिया कोटा भी भर रहे हैं, राउंड वन भी भर रहे हैं। अभी मैं सरकारी की बात करता हूँ, एमसीसी भर रहे हैं और स्टेट का राउंड वन भी भर रहे हैं, दो ही तो ऑप्शन होती है सरकारी के लिए, या आप एमसीसी करोगे या अपने स्टेट की करोगे। अब सारे जो 650 वाले हैं वो हमेशा दोनों फॉर्म भरते हैं, और राउंड वन में जिसको ऑल इंडिया कोटा से, इमेजिन कीजिए, मौलाना आजाद एलोकेट हो चुका, वो ले चुका, क्योंकि आप रिपोर्ट करने के बाद भी यू आर नॉट एग्जिटेड क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट भर सकते हो। अब मौलाना आजाद वाले को क्या ही मिलेगा अपग्रेडेशन, लेकिन वो एम्स भर देता है तो फिर वो अपने स्टेट राउंड वन उसका स्टार्ट होता है, और स्टेट राउंड वन में भी उन्होंने सारे जो टॉपर्स हैं उन्होंने अपने सारे सरकारी कॉलेजों में कब्जा कर लिया, उनके जो थोड़े से नीचे वाले हैं उन्होंने प्राइवेट की सीटों को खराब कर दिया, लेनी नहीं थी उन्हें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि राउंड वन में तो एडमिशन ही बहुत कम होते हैं, या होते हैं तो भाई सब लोग अपग्रेडेशन मार देते हैं एमसीसी में भी स्टेट में भी। असली जो एडमिशन होता है, क्योंकि जब आपको लेके बाहर निकलना है वो दोनों जगह राउंड टू में होता है, यूपी के अलावा, बाबर कह रहा हूँ। अब आप फंस गए, आप सरकारी वाले हो 610 नंबर वाले, आपको लालच आएगा भाई ऑल इंडिया कोटा से मैं लेके नखी हो जाऊं, चाहे मुझे किसी भी कोने में मिल रहा हो, लेकिन जैसा कि मैं बार बार समझा चुका हूँ, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और बिहार, ये 4 स्टेट सबसे कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं दिल्ली में, इंडिया में, जहाँ की स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया की कट ऑफ से ऊपर होती है, राइट। तो आपको लगा भाई ऑल इंडिया कोटा मिल रहा है लेके नखी करो, या दूसरे केस में चाहे आप यूपी के भी हैं, आप दूसरे स्टेट्स के भी हैं, आपको लगता है मुझे ऑल इंडिया कोटा कुछ भी मिल गया मैं ले लूँ, बाद में पता नहीं सरकारी हादसा निकल जाए, जबकि आपको अपने स्टेट के राउंड टू में अपने घर के आसपास अच्छा कॉलेज मिल सकता था, पर हम जल्दी करते हैं।
सिमिलरली प्राइवेट पे आ जाओ, सबसे पहले डीएमडी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर आपके स्टेट की प्राइवेट, और आप प्राइवेट में तो आप पूरी इंडिया में कहीं भी जा सकते हो मोस्टली जो भी ओपन स्टेट है। लेकिन मैंने समझाया ना, ये फ्री एग्जिट रूल की वजह से हर जगह राउंड मनी कट ऑफ बहुत ऊपर होती है, क्योंकि हर जगह फ्री एग्जिट है। डिपॉजिट ज्ञानी बार बार मैं कह रहा हूँ यूपी के अलावा। अब फिर डीम्ड में आपको नहीं मिला मनपसंद सीट या महंगी मिल रही है, आपने छोड़ा, ठीक है मैं राउंड टू तक वेट कर सकता हूँ विवेक सर के कहने पे। लेकिन स्टेट पे राउंड वन में कुछ नहीं मिला, अब हम पैनिक करने लग जाते हैं, क्योंकि आज अगर 12 अक्टूबर है तो ये सब होते हुए कि स्टेट खत्म हुआ 12 नवंबर हो चुका होगा, आप टेंशन में हो। हमने कहा था ना 20 दिन तक चलता है हर राउंड, 20 दिन पहले ये चलेगा फिर वो चलेगा, तो आप टेंशन में हो। आपने राउंड टू स्टार्ट हुआ डीम्ड का, 15 नवंबर आ चुकी है, आपको लगता है भाई जो मिल जाए मैं ले लूँ, उस चक्कर में महंगी डीम्ड ले लेते हैं, जबकि आपको अपना किसी भी और स्टेट का प्राइवेट कॉलेज, उस अच्छा कॉलेज उससे कम फीस में मिल सकता है। पर हमारी हिम्मत नहीं होती वेट करने की, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है, शायद आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एज ए काउंसलर कभी कभार मैं लोगों को कॉन्फिडेंस देता हूँ कि भाई हमारा एक्सपीरियंस है 12 साल का, आपको सीट मिल जाएगी पक्का, इंतजार कीजिए। और वर्स केस टू वर्स आपके पास एक बैकअप है कि राउंड थ्री में आपको ये नहीं तो ये सीट मिल जाएगी। तो ये इन बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि अब असली काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, सीट लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, जो भी फॉर्म खुल चुके थे भर चुके हो, तमिलनाडु पंजाब केरला एक्सेट्रा एक्सेट्रा के, या आंध्रा का जो निकल चुका है, तेलंगाना का भी निकल गया है, बाकियों के भी आएंगे, गुजरात का निकला हुआ है, लेकिन असली काउंसलिंग का समय अब आ गया है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा तो आपको अच्छी सीट मिलेगी, कम फीस वाली मिलेगी, अच्छा कॉलेज कम फीस में दिलाना, ये मेरा लक्ष्य होता है, ये विवेक गुप्ता ऐसे काउंसलर का लक्ष्य होता है, मेरी कंपनी का लक्ष्य होता है। कोई भी सीट दिलाना हमारा लक्ष्य नहीं होता, कैसी भी सीट दिलाना हमारा लक्ष्य नहीं होता, वो तो बहुत आसान काम होता है। मैं आपको सच बताऊं, इंडिया में अब हालत ये है कि अगर 117 कट ऑफ थी जनरल की, आप 120 नंबर भी हैं या नॉन जनरल में भी डीम्ड में तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि अब तो फीस है 24-24 लाख रुपए साल है, और 25 लाख रुपए की फीस तो आपको 150 नंबर भी मिल जाएगी। लेकिन 1.5 करोड़ रुपए क्या आप खर्च कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, ये सोचना है ना, सीट मिलना बड़ी बात नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखिए, और अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 9643362320 पे कॉल कर सकते हैं हमें। आपको मैं हमेशा कहता हूँ पहले मुझसे बात करने के लिए आपको नॉमिनल अमाउंट देना पड़ेगा, और फिर आप हमारे प्रीमियम कस्टमर बन सकते हैं, जिसका पैकेज हमारा 25,000 से लेकर 75,000 तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका सरकारी कॉलेज में ले रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज में आप लेना चाह रहे हैं। 1 लाख तक भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी, मैं हमेशा कहता हूँ जितना केस आपका कॉम्प्लिकेटेड उतनी हमारी फीस। ओके, स्टिल जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े, डू लाइक दिस वीडियो ताकि बाकी लोगों को भी एक जानकारी मिल जाए। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हैव अ नाइस डे, और दिल से दुआ करता हूँ कि आपको अपनी ऑप्टिमल सीट मिले। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।